ଏବେ ମୁମ୍ବାଇ ଯିବା, ଯେଉଁଠି ବର୍ଷାରେ ବେହାଲ ହୋଇଛନ୍ତି ମୁମ୍ବାଇବାସୀ। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାରେ ବେହାଲ ହୋଇଛନ୍ତି ମୁମ୍ବାଇବାସୀ। ମୁମ୍ବାଇ ସମେତ ସାରା ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଗତକାଲି ରାତିରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି, ଫଳରେ ସାଧାରଣ ଜୀବନଯାତ୍ରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ମୁମ୍ବାଇର ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ କଲେଜକୁ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଜାରି ହୋଇଛି ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ। ରାସ୍ତାରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିବା ସହ ମୁମ୍ବାଇର ଲାଇଫ୍ ଲାଇନ୍ କୁହାଯାଉଥିବା ଲୋକାଲ ଟ୍ରେନ୍ ସେବା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ମୁମ୍ବାଇର ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟେସନରେ ପାଣି ଜମିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଲୋକଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ମୁମ୍ବାଇ ପୋଲିସ। ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସହାୟତା ପାଇଁ ପୋଲିସକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ଆବଶ୍ୟକ ନ ହେଲେ ଲୋକଙ୍କୁ ଘରୁ ନ ବାହାରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। କିଛି ସ୍ଥାନରେ 150 ମିଲିମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଗାନ୍ଧି ମାର୍କେଟ, ନାଲାସୋପ୍ରା, ସାୟନର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପାଣି ଭରି ରହିଛି। ବୋରୱେଲି, ପବଇ, ବିକ୍ରୋଲି ଏବଂ ବଡାଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ମୁମ୍ବାଇରେ ଲୋକାଲ ଟ୍ରେନ୍ ସେବା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବସଇରୁ ବିରାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟ୍ରେନ୍ ସେବା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। କିଛି ରୁଟ୍ରେ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଛି, ବିମାନ ସେବା ବି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ସମୁଦ୍ରରେ ହାଇ ଟାଇଡ୍ ଆସିବା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛି। 4.5 ମିଟର ଉଚ୍ଚର ଲହରୀ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ନ ଯିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। मुंबई से सटे इलाकों में कल से लगातार बारिश हो रही, जिसके चलते यातायात पूरी तरह से लड़खड़ा चुके। इस वक्त हम मुंबई के साइन इलाके में मौजूद है। आपको तस्वीर अगर दिखाऊं तो आप देखें तो पूरे इलाके में जल जमाव की स्थिति निर्माण हो चुकी है और जिसके चलते जो सड़क यातायात है यहाँ पर धीमी पड़ती नजर आ रही है। अगर आप तस्वीरें देखें तो सड़क पर पूरी तरह से जल जमाव की स्थिति निर्माण हो चुकी है और लगातार मुंबई में बारिश होने के चलते जो सड़क यातायात है वो कहीं धीमी नजर आती आ रही है। और कुल मिलाकर देखा जाए सिर्फ सड़क यातायात ही नहीं, साथ ही मैं आपको बताऊं कि मुंबई की लाइफ लाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेनें जो है वो तीनों लाइनों की देरी से दौड़ रही हैं, चाहे मध्य रेलवे हो या पश्चिम रेलवे हो या हार्बर लाइन हो। और साथ ही सबसे अहम बात मैं आपको बता दूं कि मध्य रेलवे के सायन और कुर्ला स्टेशन ऐसे जहां पर जल जमाव की स्थिति निर्माण हो चुकी है और जिसके चलते ट्रेनें काफी देरी से चल रही हैं। वहीं लगातार बारिश होने के चलते मुंबई पुलिस ने ट्वीट करके ये लोगों को हिदायत दी है कि बहुत ही ज्यादा अनिवार्य हो तो लोग अपने घरों से बाहर निकले और आपातकालीन की स्थिति कहीं उन्हें नजर आती है तो मुंबई पुलिस को मदद के लिए संपर्क भी कर सकते हैं। साथ ही मनपा ने यह इशारा दिया है कि हाई टाइड का समय आज 3:17 का है, जब लहरें 4.18 मीटर ऊपर उठेंगी। यानी मुंबई के तमाम वो चौपाटी है जहां पर हाई टाइड का वक्त तय कर दिया गया है और ये इशारा दिया गया है कि उस वक्त कोई भी समुद्र के किनारे न रहे। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि अभी भी मुंबई में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मुंबई के सायन इलाके का, जो मध्य मुंबई और पश्चिम मुंबई और साथ ही दक्षिण मुंबई तीनों लाइनों को जोड़ती है। और सड़क यातायात की हालत आप देख रहे हैं कि सवेरे का समय है, लोग जो है अपने घरों से बहुत कम निकले थे क्योंकि कल से लगातार बारिश हो रही है और इसी के चलते सड़क यातायात के साथ साथ मुंबई की लाइफ लाइन भी डगमगा चुकी है। कुल मिलाकर देखा जाए मौसम विभाग ने इशारा कर दिया है कि 2 दिनों तक मुंबई में लगातार बारिश होगी और लोगों को चेतावनी दी गई है कि बहुत ही अनिवार्य काम हो तो लोग अपने घरों से बाहर निकले। कैमरामैन अविनाश लोंडे के साथ प्रशांत पांडे, न्यूज 18 मुंबई।